दीदी आपका फोन बज रहा है, उठा ले। हाँ। जी ये तो सरला जी का फोन है। जे, जे, ला दे प्लीज। हेलो जी। हेलो, हाँ जी नमस्ते जी, कैसे हो आप? नमस्ते जी, बस जी ऊपर वाले की मेहर है। आप बताइए वहाँ सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है जी। मैंने ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जी हाँ जी, कहिए ना। बात थोड़ी अजीब सी है। क्यों अजीब क्यों लग रहा है? आपको तो पता ही है जी, हमारा कुमकुम भाग्य हॉल है ना, हमारे मोहल्ले में सब शादियाँ और फंक्शन हमारे हॉल में ही होते हैं। लेकिन जब से वो बंद पड़ा है ना, मतलब अपनी बच्ची का रोका भी नहीं वहाँ कर पाए। अभी ने इतना अच्छा इंतजाम कर दिया था, लेकिन जैसी रोके की मिठाई पड़ोसियों के घर पहुंची तो सबके सब आ गए घर पूछने कि बुलबुल का रिश्ता पक्का कर दिया, बताया ही नहीं लड़का कौन है, कहाँ रहता है, कैसा परिवार है। अब इतने सारे लोग पूछने आ गए तो मैंने सोचा कि आज रात को ना मैं पूरब को घर पे खाने के लिए बुला लेती हूँ। अब वो आ जाएगा तो सब पड़ोसी उससे बिल भी लेंगे, उसे देख भी लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या सोच रही थी कि पूरब आ रहा है तो अगर आप अभी और प्रज्ञा को भी भेज देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। कमाल करती हैं आप सरला जी। प्रज्ञा आपकी बेटी है और अभी दामाद है आपका, हक से बुलाइए ना, क्यों नहीं आएंगे? वो तो है, लेकिन आप घर के बड़े हो ना, आप अगर उन्हें प्यार से भेजोगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं जी, मैं उन दोनों को ही भेज दूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। चलिए नमस्ते। हाँ ये सही रहेगा, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन यहीं से शूट करूंगा। पीछे के लाइट्स बंद कर दूंगा ताकि मुझे अच्छा डेप्थ मिले, फिर कैमरा को यहाँ पर लगाकर इस तरीके से स्लो पैन करता हुआ मैं कट 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 फ्रेम खराब कर दिया तुमने। हे डार्लिंग का फोन है, बात करोगी? सुन तो लो स्वीटहार्ट, मुझे पता है तुम मेरे बारे में सपना देख रही थी, इसलिए उठते ही तुमने मुझे फोन कर दिया ताकि तुम मुझे बता सको कि तुम मुझे कितना मिस करती हो। Come on, tell me, baby, कितने दिन हो गए ये सुने हुए? दिन तो तुम्हें हो गए मुझे मिस किए हुए। मैं तो तुम्हें रोज मिस करती हूँ, लेकिन अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से तुम्हें मिस नहीं करूंगी। नो 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 बेबी, डोंट से दैट। देखो स्वीटहार्ट, अगर तुम मुझे मिस नहीं करोगी तो मुझे हिचकी कैसे आएगी? हिचकी जब ज्यादा हो जाए तो उसका इलाज करना पड़ता है। मतलब ये कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, फिर एक दूसरे को मिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। That's right, baby. Actually, मैं भी यही सोच रहा था। Now stop thinking and let's meet up. मैंने मॉम डैड को वैसे भी प्रॉमिस किया है कि आज रात का डिनर हम एक साथ करेंगे, तो तुम आ रहे हो ना? Of course, sweetheart. मैं आज अपने सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा क्योंकि आज की शाम तन्नो के नाम। Promise? देखो अब तुमने प्रॉमिस किया है तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने मॉम डैड को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। स्वीटहार्ट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तुम मेरे घर सिर्फ एक ही बार आओगी, शादी करके। So sweet of you. Bye-bye. Later, alligator. अभी। अरे गुड मॉर्निंग दादी दासी, क्या बात है, पलटन कहाँ जा रही है? मैं तुझे ही मिलने आ रही थी। क्यों, कोई काम था? हाँ, आज शाम को क्या कर रहे? आज शाम को मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। मीटिंग ही है ना, शो तो नहीं है ना, कैंसिल कर दे मीटिंग। कैंसिल कर दूं? देख अभी, तू अगर प्रज्ञा के साथ किसी रोमांटिक जगह पे जा रहा होता ना तो हम तुझे मना नहीं करते, लेकिन अभी तू प्रज्ञा के साथ ही जा रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। उसके साथ कहाँ जाना है मुझे दादी? प्रज्ञा के मायके सरला जी का फोन आया था, तुम दोनों के लिए डिनर रखा है, वहां तुझे प्रज्ञा के साथ जाना है, समझे? दादी मैं नहीं जा सकता, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग क्या फैमिली से बढ़कर होगी? वैसे भी जो काम फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकता वो काम तो करना ही नहीं चाहिए। अपने क्लाइंट का फोन नंबर दे।
मैं उनको फोन करती हूँ, तेरी मीटिंग वीटिंग कैंसिल करती हूँ। दादी मैं वो मीटिंग कैसे कैंसिल कर सकता हूँ, मैंने उन लोगों से प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस कर चुका है और तेरा प्रॉमिस मेरी बात से बढ़कर हो गया। ठीक है भाई, मैं भी सरला जी से माफी मांग लूंगी और उनको बोल दूंगी कि आगे से जब उनको बुलाना हो तो डायरेक्ट आप लोगों को फोन करें, मुझे नहीं, क्योंकि मेरी बात की तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है ना। दादी ऐसा मत बोलिए, अब जानती है आपसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। आप चाहती है तो मैं वो मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। प्रज्ञा, प्रज्ञा बेटा। जी दादी। बेटा आज शाम को तू अपने मायके जा रही है डिनर पे, मैंने इसे भी बोल दिया है, फिर भी अगर ये आनाकानी करे ना तो मुझे बोल देना। जी दादी। मैं तैयार होकर आती। चल हो गया काम।